नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। पुलिस प्रशासन अपराधी के बीच मिलीभगत से अपराधी अपना काम निपटा रहे हैं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बीज खाद व्यवसायी प्रवीण कुमार की अपहरण कर हत्या कर दी। हत्या के बाद बेगूसराय में बवाल हो गया। अपहरण किए गए जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर शव मिलने से कोहराम मच गया तथा वहां से बेगूसराय शव आते ही लोगों ने जिला मुख्यालय में कचहरी चौक को जाम कर यातायात पूरी तरह से ठप कर दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का भी जमकर नारा लगाया तथा एसपी को बुलाने एवं अपराधियों को तुरंत पकड़ने की मांग पर समाचार भेजे जाने तक अड़े रहे। कुछ लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी किया। कचहरी चौक को दिन भर जाम रखने के बाद लोग शाम में शव के साथ NH 31 के ट्रैफिक चौक पर पहुंच गए और वहां यातायात ठप कर दिया। इसके बाद देर शाम करीब 8 बजे व्यवसायी संघ प्रतिनिधियों की सक्रियता से मामला शांत हुआ तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। कचहरी चौक पर दुकानों को बंद कर सड़क जाम कर रहे थे। स्थानीय लोगों एवं व्यवसायियों का कहना है कि बेगूसराय नगर थाना की पुलिस पूरी तरह से फेल है। शुक्रवार की देर शाम करीब 9 बजे दुकान बंद करने के दौरान बदमाश बुलेरो से आए तथा प्रवीण कुमार को बैठा लिया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बदमाश बुलेरो में उसे लेकर नगर थाना की ओर चले गए तथा सुबह में साहेबपुर कमला थाना क्षेत्र में उसकी लाश मिलती है। परिजनों का कहना है कि जब रात में मामले को लेकर नगर थाना गए तो कोई स्टाफ नहीं था। काफी देर के बाद पहुंची एक महिला सिपाही द्वारा सुबह आने की बात कहा गया, लेकिन सुबह में पुलिस के पहुंचने से पहले शव मिल गया। सड़क जाम की सूचना पाकर पहुंचे सदर DSP को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा तथा काफी कोशिश के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हुए। सदर DSP अमित कुमार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही त्वरित अनुसंधान किया जा रहा है। रूट के तमाम CCTV कैमरे की जांच चल रही है। कुछ इनपुट मिले हैं, जल्द ही घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर थाना क्षेत्र के सनिचर स्थान म्यांचक निवासी सुरेंद्र महतो का पुत्र प्रवीण कुमार कचहरी चौक के समीप सुरेंद्र सीडस नाम से बीज खाद की दुकान चलाता था। शुक्रवार की रात 9 बजे जब परिजन बात हुई तो कुछ देर में दुकान बंद कर घर आने की बात कही थी, लेकिन काफी देर बाद भी घर नहीं पहुंचने पर फिर से फोन किया गया तो उसका मोबाइल बंद था। खोजबीन करते हुए दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद था एवं मोटरसाइकिल दुकान के बाहर सड़क पर लगी हुई थी। बेगूसराय से मोहम्मद नवी आलम की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। डेढ़ बजे के करीब में हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक यहाँ पर बीज का दुकान करते हैं, वो मिसिंग है। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने टाइगर मोबाइल को बोला कि भाई इनका छानबीन करो, मिसिंग कंप्लेन था। तो मिसिंग कंप्लेन का जो SOP है उसको फॉलो किए, छानबीन करवाए और उनके परिजनों के द्वारा ही बोला गया कि हम लोग छानबीन करते हैं अपने। सुबह में फिर सुबह होते ही 8 बजे जो है हम लोगों ने जहाँ जगह, मैं खुद स्वयं भी था, फुटेज लिया। कुल 4 जगह से फुटेज मिला है और कुछ अहम सुराग हाथ लगा है। और मैंने अभी जनता लोगों से, परिजन से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जाम हटा दें, क्योंकि अगर हम लोग अगर बहुत करीब हैं उस सुराग के तो थोड़ा अगर समय मिलेगा तो हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। तो आप लोग से, आप मीडिया बंधु से भी ये अपील है कि उन लोगों को, आप लोग की तरफ से भी ये मैसेज जाए कि हम लोग बहुत करीब है उद्भेदन के,
थोड़ा समय मिल जाएगा तो हम लोग कर रहे हैं, जो है गिरफ्तारी हो तो हम लोग गिरफ्तारी की ओर हैं, जांच चल रही है, उसमें थोड़ा तो समय लगेगा, टेक्निकल चीज़ है वो, सारा एविडेंस गैदर करना है, तो 24 घंटा का समय मैंने बोला है उनके परिजन को, और तब तक बोले हैं कि आप पोस्टमार्टम वगैरह करवाइए, तो देखते हैं वो लोग क्या संतुष्ट हुए है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है इससे सर, तो अभी देखते हैं क्या है सर परिजन, ठीक है। और 1:30 बजे थाने में आए तो मुझे 2 बजे के करीब में मैसेज मिल गया था इसका, और उसी के आलोक मैंने गश्ती प्रभारी लोग को भी बोला था कि भाई आप अपने स्तर से जांच कीजिए कहाँ गया है वो, और इसीलिए सुबह होते ही हम लोगों ने CCTV फुटेज भी देखा था, ये लोग भी सुबह भी आए थे, आवेदन तो ले लिया गया है और उस समय सनहा भी दर्ज हुआ है उसका, ऐसा नहीं है सर भाई, देख करके लग रहा है कि कोई इसको ले जा करके मारा है, और इस चीज़ की पुष्टि जो है पोस्टमार्टम के बाद हो जाएगी, लेकिन जो शरीर का में जो चोट के निशान है वो यही बता रहे हैं कि किसी के साथ ये हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, और उसी के दौरान इसकी मृत्यु हुई है।